हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो, अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है कि गुलदाउदी में जब बर्ड आती है तो उसकी केयर किस तरीके से करनी चाहिए। हालांकि जब इस प्लांट पे कंप्लीट फ्लावरिंग हो जाती है, मतलब सारे के सारे कलियां खिल जाती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब इसमें बर्ड लगी होती हैं और पूरी तरीके से खिली नहीं होती हैं, तो इनमें फर्टिलाइज़र ऑफर कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हें कली बनने के लिए और खिलने के लिए उपजाऊ चीजों की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो इस कंडीशन में आप केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करती हूँ जिससे कि इतना बेहतर रिजल्ट मुझे मिला है। ये मेरी नेक्स्ट ईयर की गुलदाउदी है और इसी से मैंने बहुत सारे कटिंग भी लगाए हैं। कटिंग वाले गुलदाउदी भी भूसी हो चुकी है और उसमें भी बर्ड और कलियां लग चुकी हैं। तो गाइस, हमारे वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल लवली गार्डन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो गुलदाउदी का फूल है वो ये देखने में इतना खूबसूरत होता है और इसमें हल्की सी स्मेल भी होती है, आप सूंघकर देख सकते हैं। और ये फूल काफी लंबे दिनों तक टिके होते हैं। इन्हें लंबे दिनों तक टिके रहने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए और इनके खूबसूरत कलर होने के लिए इसमें आप कोई सा भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मैं ऑर्गेनिक चीजें इस्तेमाल करती हूँ, तो इसमें मैंने एक आध हफ्ता हुआ होगा मैंने गोबर की कंडे को भिगो रखा था, उसके पानी को मैंने सारे प्लांट में अप्लाई किया। उसके बाद मैंने इसमें डालने के लिए केले की छिलके को पानी में भिगो रखा है। कल मैंने शाम को भिगो रखा था, अभी देखिए इसके पानी का कलर चेंज हो रहा है और अभी ये और कलर चेंज होकर एकदम काला पानी बन जाएगा। तो इस चीज को अगर हम प्लांट में अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट मिलता है। आप किसी भी प्लांट में इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद इस केले को फेंके नहीं, जो छिलका है इसको फेंकने के बजाय छोटे छोटे पीसेस में करके गुलाब या फिर हिबिस्कस प्लांट के नीचे दबा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट लगता है, तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और मैं अभी आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ। ये पीछे से देखने में कुछ इस तरीके के हैं और इसमें अब यहाँ पे धूप आना बंद हो गया है। यहाँ 9:15 से 9:30 या 9:45 बजे तक ही धूप आती है, उसके बाद धूप बंद हो जाती है। और इसमें मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं और बहुत सारे जिसमें की बर्ड आई हुई है और ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं। जब ये पूरे खिलेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। हालांकि हमारे यहाँ विंटर थोड़ा सा ज़्यादा होती है, मतलब ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट से ब्लूमिंग होती है, फ्लावरिंग खिलते हैं। और ये देखिए, ये मैंने इसी में से कटिंग लेकर लगाया था और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। बहुत सारी कलियां आई हैं और ये बहुत ही पतला सा इस प्लांट का गहराई बहुत कम है पॉट का। इसको मैंने खुद से ही बनाया था सीमेंट से। और ये मेरी इस साल की शॉपिंग की हुई गुलदाउदी है, इसमें भी बर्ड आ रही हैं, पर इसकी बर्ड के जो डिज़ाइन है उसको देखकर लगता है कि इसका कलर चेंज हो सकता है। अब ये खिलेंगे तो पता चलेगा कि इसका चेंज कलर है या फिर वैसा ही। और इसके नीचे से आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक छोटा सा प्लांट निकला हुआ होगा। तो इसी तरह के तरीके से ये प्लांट नीचे से पप्स निकालते रहते हैं। और एक प्लांट ये है, ये भी मैंने इसी साल इसको खरीदा है। ये मैंने इस साल 4 नए प्लांट लिए हैं जिसमें कि 2 कलर चेंज है और ये मुझे लगता है कि जो अभी गुलदाउदी मैंने दिखाई ये उसका और इसका सेम कलर है। तो देखते हैं खिलने के बाद। तो गाइस, आप भी कोई सा भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, केमिकल करते हैं तो केमिकल कर सकते हैं ब्लूमिंग के टाइम, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से गार्डनिंग करते हैं उन सारी बातों को वीडियो के ज़रिए शेयर करते हैं आपसे। और हम किसी को ये इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं करते हैं कि अगर आप केमिकल करते हैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल तो उसको छोड़कर ऑर्गेनिक पे आ जाइए, या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उसे छोड़कर केमिकल पे आ जाइए। तो इन दिनों में जब कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है तो गुलदाउदी प्लांट पे कुछ कीड़े मकौड़ों का अटैक हो जाता है। इसमें मुख्यतः 2 रोग लगते हैं, मिली बग और माहू। इन दिनों पे यहाँ पे जो बर्ड होती है, जब कोहरा ज़्यादा रहता है तो इस एरिया पे उनका अटैक होता है। पूरी तरीके से इस ब्रांच को ढक लेती हैं और इसके रस को चूसकर प्लांट की ग्रोथ को रोक देती हैं, जिसके लिए आप नीम ऑयल
का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल और शैम्पू या फिर कोई भी साबुन वगैरह के साथ उसको घोल लीजिए पानी के साथ और इस पर स्प्रे कर सकते हैं, उससे ये मर जाएंगे। इसके अलावा आप अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो आप एलोवेरा प्लांट की लीव्स के अंदर जो जेल होता है उसे पानी में घोलकर इस पर स्प्रे बॉटल की मदद से इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसमें इतना कड़वाहट होता है कि वो मर जाएंगे और आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके घर में ही मिल जाती हैं, तो मैं इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और रिजल्ट आपके आँखों के सामने है। हम लोग जो भी बातें बताते हैं, जिस तरीके से अपने प्लांट की केयर करते हैं, वो सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपको भी अच्छी लगें तो आप भी यूज कर सकते हैं। रही बात केमिकल फर्टिलाइज़र की, तो बिना केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए भी गार्डनिंग किया जा सकता है। हालांकि हमारे दिमाग में इतना केमिकल की बातें घुस चुकी हैं कि हम केमिकल वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बोन मील हो तभी प्लांट में फूल खिलेंगे, पोटास हो तभी खिलेंगे। ज़मीन में जब प्लांट लग जाते हैं तो उन्हें कौन सा बोन मील मिलता है जो उसमें फ्लावरिंग होती है। अगर यही प्लांट मैं गमले में लगाने के बजाय ज़मीन पे लगा देती तो जब ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता तो इसे पानी तक नहीं दिया जाता, तब भी इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती और गमले में लगे हुए प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग होती। तो ज़मीन में जब प्लांट लग जाते हैं तो उसे किसी तरीके की ना ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना ही केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। मेरे भी घर के बाहर बैकयार्ड गार्डन में मैंने बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं, मैंने कुछ छोटे प्लांट भी लगाए हैं। जब वो उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है ज़मीन पर लगने के बाद तो उनको पानी भी 6-7 महीने के बाद कभी कभी दे दिया जाता है, तो वो गमले में लगे हुए प्लांट से ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव होते हैं, उनकी ग्रोथ उनसे ज़्यादा अच्छी होती है। और रही बात ऑर्गेनिक चीज़ों की, तो जो भी मैं किचन से निकलने वाली चीज़ें हैं इधर उधर फेंक के कचरा फैलाने के जगह, मैं उन्हें एक जगह कलेक्ट करके रखती हूँ और उनसे खाद बनाकर इन्हीं प्लांट में ऐड कर देती हूँ। इससे घर के आजू बाजू गंदगी भी नहीं होती है और हमारे प्लांट को एक अच्छी सी खाद मिल जाती है। मुझे ऑर्गेनिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकती कि आप मेरे बताए हुए चीज़ को ही इस्तेमाल करिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव योर नाइस डे।